Hello my dear students, in this video we will discuss about how to make magnet. Okay, kaise banate hain magnet? Already we have our natural magnets available on earth, but they are not always suited for a certain purpose. Wo suitable hai kya? Nahi hai. Kyun suitable nahi hai? Because they are weak magnets. Okay, jo natural magnet rehte hain wo weak rehte hain. So artificial magnets are made from the magnetic materials like iron. Okay, magnetic materials jo hai आयर्स, तो दैट मटेरियल, फ्रॉम दैट मटेरियल्स आर्टिफिशियल मैग्नेट क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट फ्रॉम द मैग्नेटिक मटेरियल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस. सो देर आर सेवरल मेथड्स टू इन विच द मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इन टू द मैग्नेट्स. सो कौन से मेथड है? द फर्स्ट मेथड इज दैट, वन सच मेथड इज दैट टच मेथड्स. सो टच मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोक मेथड. इफ द टू टाइप्स, there are two types of stroke methods or touch methods. The first one is a single touch method and second one is a double touch method. In a single touch method, a magnetic material is taken and placed horizontally on a surface. यहाँ पे iron bar है, जो iron bar मतलब magnetic materials है, इसको हमें magnet बनाना है. तो ये this is a pure magnet. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेट में क्या रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहते हैं. सो वन पोल अल्टरनेटली, अगर समझो फर्स्ट टाइम हमने नॉर्थ लिया, तो सिंगल टच में क्या होगा, यहां से नॉर्थ पोल यहां तक स्ट्रोक करके यहां तक लिया जाएगा, बाद में साउथ पोल अल्टरनेटिवली. सो द नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज यूज टू टच और द स्ट्रोक द सर्फेस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम वन एंड टू अदर इन वन डायरेक्शन. ओके, यहां से यहां तक स्ट्रोक करके, टच करके, दिस इज अ सिंगल टच मेथड. यहाँ पे सिंगल क्या हुआ, सिंगल बार मैग्नेट ही यूज किया है. सो द सीक्वेंस इज रिपीटेड अंटिल द मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. मैग्नेट, ये मैग्नेट बिहेव करेगा तब तक ये सीक्वेंस हमें मेंटेन करना है, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस करना है. दिस इज अ सिंगल टच मेथड. सिंगल टच मेथड में एक बार मैग्नेट स्ट्रोक करके वन एंड टू अनदर एंड अल्टरनेटली हमें करना पड़ता है. नाउ सेकंड वन इज अ डबल टच मेथड. ओके, इन अ डबल टच मेथड, डबल मतलब क्या, दो है. द टू परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर टचिंग और स्ट्रोकिंग द नॉर्थ पोल ऑफ द वन मैग्नेट. एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो दूसरे मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है. ओके, एंड द वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट आर प्लेस्ड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. यहाँ पे मिडल में रख के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में हमें क्या करना है, मूव करना है. सो द मैग्नेट ऑफ द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड आर यूज्ड फॉर द स्ट्रोकिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड द मैग्नेट ऑन द राइट साइड इज यूज्ड फॉर स्ट्रोकिंग टूवर्ड्स द राइट. एंड दिस इज कंटिन्यूअसली रिपीटेड अंटिल द मैग्नेटिक मटेरियल्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. अगर लेफ्ट साइड का साउथ पोल है तो राइट साइड में क्या आना चाहिए, नॉर्थ पोल आना चाहिए. अगर लेफ्ट में आपने सेकंड राउंड में अगर नॉर्थ लिया तो यहाँ पे साउथ आना चाहिए. सो दिस इज अ डबल टच मेथड. डबल टच मेथड में दो परमानेंट बार मैग्नेट होने चाहिए. नाउ परमानेंट एंड टेम्पररी मैग्नेट्स. परमानेंट मैग्नेट्स और टेम्पररी मैग्नेट क्या रहते हैं? सो द परमानेंट मैग्नेट्स मतलब क्या, अ मैग्नेट विच रिटेन अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ऑलवेज रिटेन करते रहते हैं, उनके साथ रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम. So that are called as permanent magnets. So the permanent magnets can retain their magnetic properties once by they are magnetized. Magnets made up of the steel or a certain alloy such as alnico are the permanent magnets. जो permanent magnet किससे बने हैं, steel से, iron से, जो magnetic materials है, certain alloys like alnico, ऐसे अलॉय से बने वाले मैग्नेट जो रहते हैं परमानेंट मैग्नेट्स रहते हैं. तो परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन द डिवाइस. कौन से डिवाइस में परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है, कंपास में. ओके, मैग्नेटिक कंपास, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड डायनामो में इसका यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स का. नाउ टेम्पररी मैग्नेट. टेम्पररी नाम नेम इंडिकेट्स दैट टेम्पररी मतलब लॉन्ग टाइम्स के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें रिटेन नहीं करते. द मैग्नेट विच कैन नॉट रिटेन अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विदाउट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड एज टेम्पररी मैग्नेट. टेम्पररी मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट ओनली इन अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड लूजेस इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज विथड्रॉन. ओके, मैग्नेटिक फील्ड में ही वो टेम्पररी मैग्नेट क्या करेंगे, मैग्नेट एज बिहेव करते हैं. अगर वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर हमने रिमूव कर दिया तो मैग्नेटिक, वो टेम्पररी मैग्नेट है, मैग्नेट एज अ वर्क नहीं करेगा.
That's why this is called as temporary magnet. Okay, electromagnets, objects made up of the of soft iron are temporary magnets. Electromagnet जो है उसको हम temporary magnet कहते हैं, जो object made up of the soft iron से जो बने वाले क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट्स कहते हैं. टेम्परेरी मैग्नेट्स आर यूज इन द डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक मोटर्स, डोरबेल्स, ट्रांसफार्मर एंड द मैग्नेटिक क्रेन्स. इसमें इसका यूज होता है टेम्परेरी मैग्नेट्स का. ओके, द मैग्नेट्स मेड बाय द स्ट्रोक मेथड्स आर वीक इन नेचर. जो स्ट्रोक मेथड से मैग्नेट प्रिपेयर किए हैं, जिसका जो बनाए हैं मैग्नेट स्ट्रोक मेथड्स या वन टच मेथड से बनाए वाले मैग्नेट क्या रहते हैं, वीक रहते हैं. एंड द इलेक्ट्रिकल मेथड्स आर यूज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल मेथड यूज करना पड़ता है. सो द मटेरियल्स दैट इज टू बी मेड अ मैग्नेट इज केप्ट इन साइड अ कॉइल एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट फॉर अ डिजायर्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. देन द मटेरियल बिकम अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक सिंपली इलेक्ट्रिकल मेथड का यूज करके हम उस मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं. ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, आयरन नेल, यहाँ पे वायर राउंड किए, यहाँ पे बैटरी है. ओके, एसी करंट. मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट. ओके, मैग्नेटिक मटेरियल आयरन का नेल्स है. ओके, ये जो नेल है उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या किया, उसको मैग्नेट में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं. सो द मैग्नेट फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रिक मेथड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिकल मेथड से बनाया गया है. ओके, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेट्स प्रिपेयर बाय द स्ट्रोक मेथड. जो स्ट्रोक मेथड या टच मेथड से जो बनाया वाला मैग्नेट है, उससे ये जो मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके बनाया वाला जो है उसको, वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है. ओके, नाउ द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी क्या रहती है, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक मेथड्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन कैसा है उस पर उसकी पोलैरिटी डिपेंड है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसमें यूज किया जाता है, मैग्नेटिक जो क्रेन्स रहते हैं उसमें यूज किया जाता है, या डोर बेल में उसका यूज होता है. सो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है उस पर डिपेंड है उसकी मैग्नेटिक क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड है. अगर मैंने समझो स्विच ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन कर दिया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से ये क्या करेगा, एज ए मैग्नेट काम करेगा और बेल बजेगी. सेम जब मुझे ट्रेन में काम करवाना है, जब मैग्नेटिक मटेरियल या इम्प्यूरिटीज है, मैग्नेटिक या मैग्नेटिक मटेरियल्स मुझे रिमूव करना है, उसमें से सॉर्टिंग करना है कचरे में से, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करूंगा, तो वहां पे उसका यूज है. सो द पोलैरिटी इज डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उस पर उसकी पोलैरिटी डिपेंड है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स टू लिफ्ट एंड ड्रॉप आयरन और स्टील पार्टिकल्स. नाउ केयर एंड स्टोरेज ऑफ द मैग्नेट. केयर एंड स्टोरेज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की केयर कैसा करना है, मैग्नेट को स्टोर कैसे करना है. अगर समझो उसके पोल्स, मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, अगर ओपनली हम खुले में छोड़ दिया जाए तो क्या होगी, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो लूज करेगा. व्हेन मैग्नेट्स आर केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम लिविंग अ मैग्नेटिक पोल्स फ्री और एक्सपोज्ड इन एयर, दे स्लोली लूजेस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. देयरफॉर वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, उसको कवर पर करके रखना पड़ेगा. देयरफॉर मैग्नेट्स हैव टू बी प्रिजर्व्ड इन द टू प्रिवेंट लॉस ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी लॉस नहीं होना, इसलिए उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा. तो यूजुअली कैसे प्रिजर्व करते हैं, यूजुअली द बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड एज अ पेयर विथ अनलाइक पोल्स. यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, नॉर्थ नहीं होना चाहिए. अनलाइक पेयर बाजू में रख के उसको स्टोर करते हैं, क्लोज टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय द स्मॉल वुडन. अंदर क्या है, दोनों के बीच में वुडन ब्लॉक रखा जाता है. ओके, द टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन कॉल्ड एज द कीपर्स एंड दे आर केप्ट एट द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट. दीज आर द क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर्स. जो उसकी प्रॉपर्टी मतलब जो पोल्स है, जो पोल्स ओपन रह रहे हैं उसको पैक करने के लिए, क्लोज करने के लिए उसको मैग्नेटिक कीपर्स बोलते हैं, उसको रखते हैं. So this is a simple carrying of the magnet. Thank you, my dear students.